बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बैठक आज शाम होनी है। बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, गुरुवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है कोर्ट में, और उससे पहले बारहवीं की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज शाम एक अहम बैठक करने वाले हैं। तो बारहवीं की परीक्षा, जिस पर छात्रों का आगे का बहुत पूरा करियर का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, बारहवीं की परीक्षा अगर नहीं करवाई जाती है, कोरोना को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए, अलग अलग राज्यों की गुजारिश को देखते हुए, तो आगे किस तरीके से इन छात्रों को अलग अलग कंपेटिटिव एग्जाम्स में आना है, प्रेजेंट होना है, किस तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेना है, या आगे की पढ़ाई वो कैसे करेंगे, इसे लेकर बारहवीं के छात्र और उनके अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट भी देश भर में काफी चिंतित हैं। और अब इस मामले में एक अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं। तो बारहवीं की परीक्षा को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं, उसकी अध्यक्षता करेंगे वो। सूत्रों के हवाले से हमको ये जानकारी मिल रही है कि ये बैठक आज शाम होनी है, और इस बैठक के बाद बहुत मुमकिन है कि यह साफ हो जाए कि बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार की आगे की रणनीति और दिशा निर्देश क्या होंगे। बारहवीं की परीक्षाएं करवानी है, नहीं करवानी है, अगर करवानी है तो कब करवानी है, और कोरोना संक्रमण को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं करानी है, ये जो असमंजस की स्थिति लगातार काफी दिन से चल रही है, उसे लेकर आज उम्मीद की जा रही है कि क्लैरिटी मिल पाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी आज शाम। इस बैठक में क्या होता है, क्या निकल कर सामने आता है, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करने वाले हैं। बारहवीं की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक होगी। सीबीएसई के छात्रों के लिए आने वाला वक्त किस तरीके से परीक्षाओं के लिहाज से निकलता है, परीक्षाएं होती हैं, नहीं होती हैं, अगर परीक्षाएं होती हैं तो कब होती हैं, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, कोरोना संक्रमण ना फैले बच्चों में, इसको ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं कैसे कराई जाएंगी, अगर नहीं कराई जाएंगी तो क्या तरीका होगा छात्रों को आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर जाने के लिए या कंपेटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसे लेकर क्लैरिटी बनने की अब उम्मीद है और हर किसी की नजर इस अहम बैठक पर बनी रहेगी।